हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक लैंड रिसोर्सेज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्स एट द सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एट्सेट्रा। यानी कि जो हमारा ज़मीन होती है, लैंड रिसोर्स है, वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स वो है, हमारा रिसोर्स है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, ह्यूमन लाइफ के लिए होता है, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन का काम, सारा कहाँ पे होता है, ज़मीन पर ही होता है। हाउएवर लैंड इज एसेट ऑफ अ फिनिट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द इम्पॉर्टेंट यूज वेरिएबल लैंड वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। इसलिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ में, इसलिए हमें इसको क्या है, बहुत ही केयरफुली तरीके से प्लान करके इस लैंड रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट आता है हमारा, लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। इस पर्पज़ से हमारे लैंड रिसोर्स यूज़ होता है, कौन सा पैरा, फॉरेस्ट, जंगल हमारे ज़मीन पर ही है, लैंड नॉट फॉर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, और इसके अलावा कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं किया, ये विकसित नहीं है। कौन को क्यों विकसित नहीं है, वो ये बैरन एंड वेस्टलैंड, ये क्या होगा, बंजर भूमि होती है या ख़राब जो भूमि है वो। लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज़ बिल्डिंग रोड फैक्ट्री, और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है, जैसे कि उसमें खेती नहीं हो सकती है, तो ऐसी ज़मीन को क्या है, नॉन एग्रीकल्चर भूमि बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज डालते हैं। ठीक है, इसके बाद है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग फॉलोइंग लैंड परमानेंट पॉस्चर एंड गेजिंग लैंड। ऐसा कौन से होते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, हमारी घास वगैरह उगती है, मतलब काफ़ी उपजाऊ नहीं है पूरी तरह से, हम खेत पूरी तरह से विकसित नहीं है, पर इसमें थोड़ी बहुत भूमि गेजिंग मतलब चारा, जो चारा चरवाहा होते हैं ना, उसमें जानवरों को खाना वाना खिलाने के लिए तो कहते हैं वो ना, घास खिलाने के लिए, घासी क्षेत्र जो होते हैं, उस तरह के जो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंड अंडर और इसके बाद है लैंड अंडर, ये लैंड लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो नॉट इंक्लूड नॉट नेट सोन एरिया। यानी कि ऐसे जो ट्री क्रॉप्स जो होती हैं, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए थे, लेकिन वो किसी उपजाऊ भूमि के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। उसके बाद कौन सा हमारा, कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। और कुछ कौन सा है, कल्चरल वेस्ट लैंड है, मतलब पुराने तौर पर, जैसे कल्चर हमारे होते हैं ना, जैसे कि कहीं किले विले बने हुए हैं, इस तरह के जो लैंड होते हैं उसमें कहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर ईयर नहीं होते, काम नहीं होते, इस तरह से लैंड बने होते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला कौन सा है, फॉलो लैंड्स, इसमें कहा जाता है करंट फॉलो, यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। यानी कि कुछ ज़मीन जो होती है उपजाऊ भूमि को छोड़ देते हैं एक दो साल खेती करके, तो वो होती है करंट फॉलो। उसके बाद होता है अदर देन करंट फॉलो कौन सी होती, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 4-5 साल तक के लिए किसी ज़मीन को छोड़ दिया गया है किसी खेती करे बिना। ठीक है, और उसके फिफ्थ वाला पॉइंट क्या था हमारा, नेट सोन एरिया, यानी कि कुल उपजाऊ भूमि जो है वो क्या है, एरिया सोन मोर देन वन इन अ एग्रीकल्चर ईयर पुट नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये ऐसी ज़मीन होती है हमारी जो मेन रूप से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के यूज़ होती है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि जिसे बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी फसलें उगती हैं। ठीक है, अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।